हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देविंदर सल, आप सबका अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करती हूं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल है ना उसे जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बहुत छोटी सी रेमेडी है, तो चलिए बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स रेमेडी की ओर। तो फ्रेंड्स, जो आज की रेमेडी में हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, जी हाँ, बादाम की गिरी। बादाम की गिरी जो होती है ये फ्रेंड्स हमारी स्किन में मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आप इसमें भरपूर विटामिन्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। तो आपने क्या करना है, 5 गिरी बादाम की लेनी है और साथ में इसके आपको जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो चाहिए मखाने। जी हाँ, मखाने, जिसकी हम लोग खीर भी खाते हैं और मेरे ख्याल से कई लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, कई लोग अलग अलग तरीक़ों से खाते हैं। तो हमें चाहिए इसमें 5 मखाने। जी हाँ, अगर हमने 5 गिरी ली हैं, 5 मखाने, अगर थोड़ी ऊपर नीचे क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। तो आपने इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक साथ ही पीस लीजिएगा। जब ये अच्छा सा पाउडर बन जाए उसको आप एक साफ जो बाउल होता है उसमें आप निकालिए और इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स डालना है वो मिलाना है अपने हनी। हनी आपने इसमें 1 चम्मच हनी मिलाना है। इन तीनों को अच्छा सा मिला लीजिए। उसके बाद जो 4th इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए आपको रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो होता है ये फ्रेंड्स हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, क्योंकि हमारी स्किन जब तक हाइड्रेट नहीं रहेगी तो हमारी स्किन पर ग्लो नहीं रहेगा। तो ये जितने भी आपको मैंने आज इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। हमारी स्किन जब अंदर से हाइड्रेट होती है तो आराम अपने आप ही नेचुरली हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आ जाता है। तो आपने रोज़ वाटर उतना ही डालना है जितना ही अच्छा सा पेस्ट बन जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है बादाम की गिरी और मखाने जो होते हैं ना मतलब थोड़े खुरदरे से होते हैं ना, तो उनको अच्छा सा थिक से बनाने के लिए पेस्ट चाहिए होता है। तो जितना उसमें क्वांटिटी में रोज़ वाटर डलेगा उतना ही आप रोज़ वाटर डाल दीजिएगा और इनको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर कम से कम 15 मिनट के लिए अप्लाई करिए और हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी को यूज़ करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी छोटी सी आप लोगों के लिए वीडियो, कैसी लगी तो प्लीज़ अपने लवली कमेंट देकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय एवरीवन।